So, owner of Organization of Private Schools Management, the Organization of Private School Management ने जिस प्रोग्राम का इनेकाद किया और वो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस अब तक है. यकीनन सबसे पहले मरहले में हमने बच्चों को इनरोल करने की कोशिश की बाय स्कूल, और स्कूल ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाहिर किया. यकीनन स्कूल का ये इंटरेस्ट इस बात को शो करता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के जो उस्ताज़ हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काविश करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ाने और तरक्की देने के लिए, हौसला देने के लिए हर लम्हा अपने आप को पेश करते हैं. मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जिन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि वो भले बच्चे मैट्रिक कर चुके हों, उन्हें अब कोई फीस नहीं मिलती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स टिल नाउ उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट कराची की तरफ से उन तमाम तलबा और तालबात को खराज तहसीन पेश करता हूं जिनका नाम 21 सितंबर तक इनरोल्ड हो गया है. ये अबाउट 3000 तलबा और तालबात हैं. यकीनन पाकिस्तान के हिस्ट्री में एक ऐसा प्रोग्राम प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट करने जा रही है जिसमें मोर देन 3000 तलबा व तालबात को सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट प्राउडली प्रेजेंट किया जा रहा होगा, और इसमें यकीनन मोर देन 300 स्कूल्स पार्टिसिपेट हैं. और इस दिन उन तमाम तलबा व तालबात और स्कूल्स को ये बात बताई जा रही होगी कि यकीनन आई एम वेरी प्राउड टू टॉक विथ यू, आई एम वेरी प्राउड टू इन्वाइट विथ यू. उसकी वजह यह है कि आपने इस पाकिस्तान के लिटरेसी रेट में जो सपोर्टिंग की है, स्टेट को जो सपोर्ट किया है, यकीनन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट भी आपको खराज तहसीन पेश करती है. और इस दरमियान क्योंकि ये प्रोग्राम एक जो तादाद है तलबा की और स्कूल्स की ज़्यादा है, इसीलिए किसी ग्राउंड का इंतखाब किया गया है जहाँ तमाम लोग आ सकते हों. लेकिन इस दरमियान एक जो एक्सपेक्टेशन हमारे महकमे मौसमियात की आ गई है कि बहुत शदीद बारिश है फ्राइडे और सैटरडे. यकीनन इस शदीद बारिश में हमारे मौजूद मेहमानों का आना भी मुश्किल होगा, तलबा व तालबात का वेन्यू तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं होगा, और यकीनन स्कूल्स का उस दिन इस प्रोग्राम को मैनेज करना, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का वहाँ पर होना और सिटिंग अरेंजमेंट का इस बारिश के दौरान एग्जिस्टिंग पोजीशन पर रहना नामुमकिन अमल होगा. ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो रहा है बल्कि ये प्रोग्राम एक्सटेंड किया जा रहा है. रीज़न जो है वो रेन है, हैवी रेन है. तो लिहाजा इसके नेक्स्ट सैटरडे यानी 12 अक्टूबर 2019 ऑन सैटरडे सेम वेन्यू सेम वक्त सेम पास के ज़रिए तमाम तलबा व तालबात अपने मुकर्रर टाइम पर वो आएंगे. तमाम स्कूलों से गुजारिश है इस दरमियान हमें वक्त मिल गया है, इस दरमियान हम इस वक्त को यूटिलाइज़ करेंगे अपने बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों की लाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों के अंदर हो. अब तक जो मेहमान लाइनअप हुए हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि फेडरल मिनिस्टर आईटी खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे दरमियान हैं, निसार खोड़ो साहब का वज़ीर एजुकेशन हमारे पास हैं, और मिनिस्टर एजुकेशन सिंह सरदार साहब हमारे पास वो आ रहे हैं, हमारे पास एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध वो हमारे दरमियान आ रहे हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध आ रहे हैं, एसपी औरंगी, एसएसपी वेस्ट और डीसी वेस्ट, और सबसे बड़े जो नाम से एजुकेटर्स में मैं उनको बता चलूँ सरदार अब्दुल रहीम आ रहे हैं. सरदार अब्दुल रहीम एक एजुकेटर भी हैं जिन्होंने आईबीएस एमबीए किया, और हमारे पास जो हैं वो चेयरमैन आईबीसीसी पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर सईदुद्दीन साहब पहुँचेंगे, हमारे सिंध के डायरेक्टर जनरल मोहतरम जनाब मंसूब हुसैन सिद्दीकी इन बच्चों को हौसला देने के लिए आएंगे, इन बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए आएंगे ताकि ये बच्चे यकीनन मुल्क के मेहमान हैं. इसके अलावा बेशुमार
जो एजुकेटर्स हैं, जिसमें सर सैयद यूनिवर्सिटी के नदीम साहब, जिना पॉलिटिकल के, एनडी के, डाउ मेडिकल कॉलेज के बेशुमार एजुकेटर्स आ रहे हैं, और सिर्फ एक मकसद है कि इन तुलबा व तालबा जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है इनकी हौसला अफजाई करें। तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन, अल अंसार आपको सपोर्ट करती है इन बच्चों को कि अगर जिस तरीके से इन्होंने मैट्रिक में इम्तियाजी नंबर लिया है, अगर ये इंटर में भी ऐसी ले लेंगे तो हम इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाला जो पाकिस्तान है, आने वाला जो दौर है, उसको संभालने वाले आपके तुलबा व तालबात हैं, मेरे तुलबा व तालबात हैं। पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ एक वजह से तब्दील हो सकती है, एक इन बच्चों के अंदर तालीम तालीम और तालीम दे दी जाए, और दूसरा ये है कि इन बच्चों को तालीम के साथ हौसला हौसला और हौसला दे दिया जाए। इस तरक्की में फिर दुनिया कोई भी हमसे आगे नहीं बढ़ सकती है। ये मुल्क के मेहमान हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा, अमली काम करने के लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान नहीं बल्कि औरंगी के एक टाउन में इस बात का रिकॉर्ड बन रहा है, जहां पर 3100 तलबा व तालबात को एक साथ, तमाम तलबा व तालबात को सर्टिफिकेट, एवॉर्ड, लैपटॉप और कैश प्राइज दे करके उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। इंशाल्लाह ताला 12 अक्टूबर 2019 सैटरडे को सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।